देहरादून में बेरोजगार युवाओं पर हुए लाठीचार्ज में सियासी रंग छोड़ने लगा है। युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर नई टिहरी पहुंची भाजयुमो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने कहा कि देहरादून में जो कुछ भी युवा बेरोजगारों के साथ घटा है, इसमें एक राजनीतिक रंग के चलते ये सब कुछ घटा है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों के खुलासे बीजेपी की सरकार ने किए हैं और उनके खिलाफ कार्यवाही कर जेल भी भेजा गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों से युवाओं में ज़रूर आक्रोश है, लेकिन जिस तरह से राजधानी में तोड़फोड़ और पथराव और लाठीचार्ज हुआ है, इसमें विपक्षी दलों का हाथ है। जो हमने दृश्य देखे देहरादून में, वो निश्चित ही वो परेशान करने वाले थे। और हमारी देवभूमि इस तरीके से कभी हुआ नहीं है। पुलिस को हमारे मित्र पुलिस बोला जाता है, हमारे जो युवा हैं वो भी बहुत शांतिपूर्ण हैं और संयम रखते हैं। तो कल जो हुआ कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी राजनीति भी आई बीच में। युवाओं में गुस्सा है, जायज़ है, लगातार जिस तरीके से उजागर हो रहा है इस तरीके से भ्रष्टाचार, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है।